तो हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब? आइयो अच्छे होंगे। मैं केपी संत आप सभी का न्यू वीडियो में स्वागत करता हूं। दोस्तों पिछली वीडियो में आप सभी ने देखा था दोस्तों, मेरठ साउथ से लेकर और आपका बेगम पुल तक का। आज मैं आप सभी को दिखाने वाला हूं दोस्तों कि ये देखो वैशाली नगर RRTS का स्टेशन बनाया जा रहा है, जिसमें से कंट्रोल रूम, वो सामने कंट्रोल रूम की वो बिल्डिंग बनाई गई है, सामने देख सकते हो वो टक्कर पे। तो चलते हैं और आप लोगों को दिखाएंगे चल के, क्योंकि ये वैशाली नगर में दोस्तों ये अंडरग्राउंड स्टेशन होने वाला है दोस्तों, और दूसरा स्टेशन है दोस्तों बेगम पुल के अंदर। तो दिखाएंगे चल के, आप बने रहो ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए केपी संत के चैनल पर दोस्तों। और आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है, चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो कर लेना, नीचे रेड कलर का बटन उसे प्रेस कर देना, तुरंत बेल आइकन बजा देना, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा और ऐसे ही वीडियोस देखते रहो केपी संत के चैनल पर दोस्तों। तो चलते हैं और दिखाते चल के आप सभी को क्या कुछ वर्क कंप्लीट हो चुका है अभी और क्या क्या वर्क किया जा रहा है इस टाइम पर दोस्तों, प्रेजेंट टाइम में। तो आप सभी को बता दूं कि मेरठ के अंदर दोस्तों मेरठ मेट्रो भी इसी रूट पर चलाई जाएगी, एक ही रूट पर, और दोस्तों दिल्ली मेरठ RRTS भी इस रूट पर चलाई जाएगी। तो कुछ स्टेशन तो दोस्तों मेट्रो के हैं, दिल्ली मेट्रो मेरठ मेट्रो के, और कुछ स्टेशन दोस्तों रैपिड रेल के हैं। तो ये है वैशाली नगर, देख सकते हो ये अंडरग्राउंड स्टेशन है, और पहले यहाँ पर ये काम चल रहा था, अब यहाँ का काम ख़त्म हो गया है तो अब ये राइट हैंड पे काम चल रहा है दोस्तों। पहले राइट हैंड से खुला हुआ था, तब लेफ्ट हैंड पे काम चल रहा था, जिस पे हम अभी इस टाइम पे चल रहे हैं दोस्तों। और दिखाएंगे चल के आप सभी को दोस्तों MES कॉलोनी का स्टेशन, जो कि मेट्रो मेरठ मेट्रो का स्टेशन होने वाला दोस्तों, क्योंकि मेरठ मेट्रो के जो स्टेशन है दोस्तों वो हैं छोटे छोटे, और जो नमो भारत यानी कि RRTS का जो स्टेशन है वो है काफ़ी लंबे चौड़े। तो आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा दोस्तों, बस बने रहो आप लोग इस वीडियो के एंड तक, बहुत कुछ है इस वीडियो में देखने के लिए। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वॉच करो इस वीडियो को और देखो, और फिर आप सभी को पता चलेगा कि क्या वर्क चल रहा है इस टाइम पर दोस्तों। तो ये देख सकते हो ये बेगम पुल ख़त्म हो चुका है दोस्तों, अब यहाँ से जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो ये एलिवेटेड हो जाएगी लाइन आगे जाके दोस्तों। तो चलते हैं और वहीं पे आप जो लोगों को दिखाते चल के कि उस बायोडक्ट पे क्या काम किया जा रहा है इस टाइम पे, जो एलिवेटेड हिस्सा हो जाता है दोस्तों, क्योंकि अभी तो आप सभी ने अंडरग्राउंड हिस्से को देखा है, लेकिन अब आप सभी को एलिवेटेड हिस्सा देखने के लिए मिलेगा, जो क्या काम चल रहा है, क्या वर्क किया जा रहा है वो आप सभी को देखने के लिए मिलेगा दोस्तों। तो बने रहो बस आप, देखो यहाँ तक ये स्टार्ट होने लगा है दोस्तों, क्या एलिवेटेड हिस्सा। पहले इसकी साइड की बॉल बनाई जा रही थी, और बॉल बनाने के बाद में फिर इस पे ग्रिल लगाने का काम किया जा रहा था, तो वो भी आगे किया जा रहा है नहीं किया जा रहा वो आप सभी को देखने के लिए मिलेगा। देख सकते हो ये बाल तो बन गई है, अभी ग्रिल भी इन्होंने लगा दी है और थोड़ी बहुत बची भी होगी क्योंकि सेटिंग लगी हुई है। तो देखते हैं कि ग्रिल पूरे में लग चुकी है, कंप्लीट हो गई है या अभी बची हुई है। तो इधर देखो, इधर ये ग्रिल लगाई जा रही है, अभी पूरे में ग्रिल नहीं लगी है बाल के ऊपर दोस्तों। अब ये एलिवेटेड सारा पोजीशन होने वाला है दोस्तों, देखो आप लोग किस तरीके से यहाँ पर काम चल रहा है इस टाइम पर, बहुत तेज़ी के साथ में काम चल रहा है दोस्तों। बायोडक्ट को कनेक्ट करने के बाद में दोस्तों अभी इलेक्ट्रिसिटी के इस पर खंभे लगाए जाने हैं, और खंभे लग जाने के बाद में दोस्तों साइडों से ये पैराफिट बॉल के ऊपर दोस्तों रेलिंग को लगाया जाना है, उसके बाद में इसके ट्रैक के स्लैब बिछाए जाएंगे, फिर उसके बाद में इस पर ट्रैक बिछाया जाएगा दोस्तों, उसके एंड में जाकर दोस्तों इस पर क्या किया जाएगा, इस पर OHE वायर का काम किया जाना है। तो ये काम चल रहा है, देखो पिछली बार जब मैंने आप सभी को अपडेट दिया था तब यहाँ पर कई सारे लॉन्चर लगे हुए थे जो कि बायोडक्ट कनेक्ट कर चुके हैं दोस्तों, ये लॉन्चर आगे जाके पहुंच गए हैं, तो आप लोगों को आगे ही देखने के लिए मिलेगा दोस्तों। तो देखते रहो ऐसे ही वीडियोस केपी संत के चैनल पर, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आप लोगों ने तो कर लेना, नीचे रेड कलर का बटन उसे प्रेस कर देना, तुरंत बेल आइकन बजा देना, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा और ऐसे ही वीडियोस देखते रहो केपी संत के चैनल पर दोस्तों। तो ये स्टेशन आ चुका है दोस्तों मेरठ मेट्रो का MES कॉलोनी, देखो दोनों साइड में दोस्तों गाटर लॉन्चिंग कर देने के बाद में दोस्तों फ्लोर वर्क कंप्लीट हो चुका है। देखो यहाँ पर ये फ्लोर वर्क किया है, तो इसकी सेटरिंग भी लगाई गई है ताकि यहाँ पर नीचे जो बांध चल रहे हैं
इसी वजह से कोई टूट फूट ना हो, कुछ लग ना जाए, तो कौन कौन लेवल बनाया जा रहा है अभी, जिस पर कि दीवारें बनाई जा रही हैं साइडों से, और एंट्री एग्जिट पॉइंट भी बनाए जा रहे हैं दोस्तों। तो एक साइड का फाउंडेशन बन चुका है, देख सकते हो पिलर का स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया इन्होंने, सरियाओं का जाल। अब इसमें कंक्रीट भरा जाएगा, पिलर को खड़ा किया जाएगा, फिर उसके बाद में दोस्तों स्टेयर बनाए जाएंगे। स्टेयर बन जाने के बाद में फिर आपको पता ही है कि ये देखो एक्सीलेटर भी लगाए जाएंगे इसमें एंट्री एग्जिट पॉइंट पर। दूसरी साइड का भी फाउंडेशन बनाया जा रहा है दोस्तों, तो उधर भी अभी काम चल रहा है। तो देख सकते हो ये रोड लग लिया, और बीच में देखो क्या, बीच में मिट्टी डाल देंगे, प्लांटेशन कर देंगे दोस्तों। और बीच में देखो ये कुआं टाइप का बना रखा है ना, जितना भी बायोडक्ट का पानी है दोस्तों वो इसके अंदर जाएगा, और ये पानी ज़मीन में सूख जाया करेगा क्योंकि इसमें हॉल किया हुआ है। देखो बीच में ये हॉल है ना, ये पानी सूख जाया करेगा नीचे ही ज़मीन के अंदर दोस्तों, क्योंकि फिल्टर होकर जाएगा ना मिट्टी में, तो सारा पानी बढ़िया हो जाएगा। तो यही काम चल रहा है, देख सकते हो MES कॉलोनी जो मेरठ मेट्रो बनाई जा रही है। तो एक साइड का देखो एंट्री एग्जिट पॉइंट बनके तैयार हो गया, देखो फाउंडेशन सारा बनके, और इस पर फ्लोर वर्क भी हो गया दोस्तों। दूसरी साइड का फाउंडेशन बन गया है, अब उस पर काम किया जाएगा पिलर को स्टैंड करने का, फिर उसके बाद में क्या स्टेयर को इंस्टॉल किया जाएगा। तो यही काम चल रहा है दोस्तों, MES कॉलोनी RRTS स्टेशन यानी कि मेरठ मेट्रो का स्टेशन है दोस्तों, छोटा ही स्टेशन है तो काफ़ी लंबा चौड़ा है, क्योंकि इसमें 6 कोचिस होंगे, तो इसी वजह से यहाँ लंबा चौड़ा दोनों साइडों में वॉकवे भी दिया गया है। तो इसी वजह से ये गाटर लॉन्चिंग आप लोगों को देखने के लिए मिलेगी। देखो उधर हो गया गाटर लॉन्चिंग यानी कि फ्लोर वर्क, इधर अभी बचा हुआ है करने के लिए, देख सकते हो ये सेटरिंग लगी हुई है। सेटरिंग लगाने के बाद में दोस्तों इस पर फ्लोर वर्क कर देंगे। तो यही काम चल रहा है तेज़ी के साथ में, और आप सभी को बताऊं दोस्तों बहुत सारा काम है मेरठ के अंदर करने के लिए, जो कि इस साल के एंड तक ये काम फाइनल हो पाएगा, फिर अगले साल 25 में दोस्तों इसको आम जनता के लिए खोल दिया जाएगा। तो यही काम चल रहा है, और आप लोग बताना कि आप सभी को KP संत के चैनल पर ये वीडियोस कैसे लगते हैं इंफॉर्मेटिव, आप नीचे हमें कमेंट करके ज़रूर बताया करो दोस्तों, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करो। बस यही मेरी आपसे गुजारिश है दोस्तों, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर लो, ताकि मैं कोई भी अपडेट अगर अपने चैनल पर वीडियो डालता हूँ तो आप लोगों का तक तुरंत पहुँचेगा, और आप लोगों को देखकर एक लाइक कर देना है, और कमेंट में हमें नीचे बताना है कि आप सभी को ये अपडेट कैसा लगा दोस्तों। तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कर लो आप, तो तभी आप लोगों के समझ में ज़्यादा आ पाएगा, क्योंकि मैं पर डे ऐसे ही अपडेट्स लाता रहता हूँ, आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देता रहता हूँ कि जहाँ भी हमारे देश में अभी इस टाइम पे NCR में जहाँ भी अभी कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है दोस्तों, रोड बनाए जा रहे हैं, हाईवे बनाए जा रहे हैं, मेट्रो बनाई जा रही है, रेलवे लाइन बिछाई जा रही है, वो सब आप सभी को कंस्ट्रक्शन का काम आप सभी को देखने के लिए मिलेगा KP संत के चैनल पर दोस्तों। ये 30,274 करोड़ की लागत से ये रूट को बनाया जा रहा है दोस्तों, 82 किलोमीटर का रूट है दोस्तों, दिल्ली के सरायखाले खां से ये स्टार्ट होता है, जिसमें से दोस्तों 12 किलोमीटर का हिस्सा दोस्तों ये अंडरग्राउंड है, 6 किलोमीटर का हिस्सा तो मेरठ के अंदर है दोस्तों, और 6 किलोमीटर का ही हिस्सा दोस्तों दिल्ली के अंदर आता है, जो कि आनंद विहार में अंडरग्राउंड स्टेशन है दोस्तों। तो उसका भी आप लोगों को अपडेट देखने के लिए मिलेगा, तो आप लोग इन्जॉय करो ज़्यादा से ज़्यादा।
देखो ये बायोडक्ट अब थोड़ा सा ये लेफ्ट में कर्व ले लेता है दोस्तों। देखो सेटिंग ये लगी हुई है, तो इनमें पिलर पे पिलर ये लोहे के पिलर खड़े किए हैं, उसके बाद में ये बायोडक्ट को कनेक्ट करने का काम किया गया है दोस्तों। जैसे ही हम आगे चलेंगे तो आप लोगों को दौरली RRTS का स्टेशन देखने के लिए मिलेगा, जो कि मेरठ मेट्रो का स्टेशन होने वाला है दोस्तों, देख सकते हो आप लोग। और आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए KP संत को लाइक शेयर कमेंट करो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों। तो चलिए आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत गाइस। मिलते हैं किसी नई वीडियो में आप सभी से, तो आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा इन्जॉय करो इस वीडियो को दोस्तों। चलिए मिलते हैं आप सभी से।